Hi guys, I'm Stuti from eVidyarthi. और इस session में हम करेंगे class 11 chapter financial statements का question number 18. ये है page number 18.55 पे of the book TS Grewal. Start करते हैं. From the following, prepare the profit and loss account of Sohan Lal as it would appear in the first year that ended 31st March 2017. तो हमें profit and loss account बनाना है for the first year. Which is ending on 31st March 2017. Yani, हमारे पास date आ जाएगी profit and loss account for the year ended 31st March 2017. ये आ गई date हमारे पास. Next देखते हैं. अब हमें कई सारे अगेन बैलेंसेस दिए हुए हैं अकाउंट्स के जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेक्टली प्लेस करते हैं. अब सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस की फिगर फाइंड करेंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ तो सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं. लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000. ओके, तो हमें सेल्स की फिगर दी हुई है और प्रॉफिट है उसका 45%. यानी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम जब ब्रॉट डाउन करेंगे वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स. फिगर आ जाएगी हमारे पास 6,50,000 की 45%. तो 6,50,000 रुपीज का जब हम 45% करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,92,500 रुपीज. 6,50,000 का 45% तो वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में 2,92,500. ये आ गई फिगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट में. नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारे पास एक एक करके बैलेंसेस है तो उन्हें नोट करेंगे. सैलरीज एंड वेजेस ₹30,000. तो सैलरीज एंड वेजेस गिवन है हमें 30,000 रुपीज की. सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपीज. ये हो गए सैलरीज एंड वेजेस. नेक्स्ट है कमीशन पेड 2,000 रुपीज. वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. टू कमीशन पेड 2,000 रुपीज. नेक्स्ट देखते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स ₹1,500. तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन एक एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम इसे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अमाउंट है ₹1,500 पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स. नेक्स्ट है इंश्योरेंस 3,000. इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की साइड में. टू इंश्योरेंस ₹3,000. ये हो गया इंश्योरेंस. नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड 4,000 रुपीज. इंटरेस्ट पेड भी एक्सपेंस है, आ जाएगा हमारे पास डेबिट साइड में. टू इंटरेस्ट पेड 4,000 रुपीज. इंटरेस्ट पेड 4,000. नेक्स्ट है कैरियज आउटवर्ड्स 5,000 रुपीज. तो कैरियज आउटवर्ड्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. कैरियज इनवर्ड्स डायरेक्ट होता है और कैरियज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट होता है. तो आउटवर्ड्स है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. टू कैरियज
outwards. 5,000 rupees. ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में. एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस है. दोनों को नोट करेंगे. एडवर्टाइजिंग है 10,000 रुपीज की और डिस्काउंट अलाउड है 18,000 रुपीज का. टू एडवर्टाइजिंग टेन थाउजेंड रुपीज. नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड 18,000. टू डिस्काउंट अलाउड 18,000 रुपीज. ये हो गया डिस्काउंट अलाउड. नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड 17,000. तो रेंट हमने रिसीव करा है, यानी ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है. ये आ जाएगी क्रेडिट साइड में. बाय रेंट रिसीव्ड 17,000 रुपीज. रेंट रिसीव्ड. फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट है 15,000 रुपीज. ये आ गया इंटरेस्ट. नेक्स्ट है बैड डेट्स 9,000. तो बैड डेट्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा. टू बैड डेट्स 9,000 रुपीज. बैड डेट्स हो गए 9,000 के. ब्रोकरेज पेड 950. ब्रोकरेज पेड भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा. टू ब्रोकरेज नाइन फिफ्टी रुपीज. ब्रोकरेज आ गई 950 रुपीज की. अब हमारे पास सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हमने नोट कर लिए हैं. बारी है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने की. तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स को सेट ऑफ करेंगे. अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो वो नेट लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट होता है. तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं. टोटल कर लेते हैं पहले क्रेडिट साइड का. क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे हमारे पास फिगर आ जाएगी 324,500 रुपीज. ये आ गई हमारे पास टोटल फिगर. अब इसमें से हम डेबिट साइड लेस कर देंगे क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड कम है एज कंपेयर टू द क्रेडिट साइड, और हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट. जब हम 324,500 में से ये सारी फिगर्स को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी 241,050 रुपीज. 241,050 रुपीज. और इसका भी हम कर देंगे टोटल. टोटल आ रहा है हमारे पास 324,500 रुपीज. अब ये बन गया है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस फिगर को मैं यहां पे भी लिख देती हूँ इफ इट्स नॉट विजिबल. ये है हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन गया. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने कंप्लीट कर लिया. काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. बस आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया. एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And I'll meet you in the next session. Till then, bye-bye.